हेलो फ्रेंड्स, मैं सलमा वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक गार्डनिंग में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे क्लाथिया के प्लांट है जिसे मैंने स्वाति जी से ऑनलाइन परचेज किए थे और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी फ्रेंड मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है और इसकी रिपोर्ट की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने हेल्दी और नई नई शूट्स इसमें से निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से दो या तीन नई पत्तियां निकली हुई है और इसका प्लांट भी काफी हेल्दी और काफी खुश है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से भी ये यहाँ से नई नई शूट्स निकल रही हैं। एक ये है और एक यहाँ, इसमें से भी फ्रेंड्स ये वाला न्यू लीव्स निकली है और इसमें से भी फ्रेंड्स अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी सॉइल के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी सॉइल इस तरीके से बनाई है कि इसे ज्यादा पानी इसमें रुकेगा नहीं और इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले तो इसमें लिया है एक पार्ट कोकोपीट लिया है और एक पार्ट मैंने ली है रिवर सेंट और एक पार्ट ही इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें इस वक्त जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट की इतनी मात्रा डाली थी कि इसको 6 महीने तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा बोन मील पाउडर भी डाला था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको थोड़ा सा आप कोयला भी डाल सकते हैं। एक मुट्ठी के करीब मैंने इसमें कोयला भी ऐड किया था और थोड़े से मैंने इसके अंदर अपने थर्माकोल के जो दाने आते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए थे। आप चाहे तो इसमें आप परलाइट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसमें सिर्फ थर्माकोल के सीड्स डाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कलाथिया जो है वो काफी मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए लेकिन इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसे ह्यूमिडिटी काफी पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे जब लगाया था उसके 8 दिन तक मैंने इसे फ्रेंड्स ऊपर से पॉलिथीन से पैक करके रखा था और इसको मैं हर 2 दिन में इसे कवर को हटाकर थोड़ा 1 या 2 घंटे रेस्ट देती थी और उसके बाद में फिर थोड़ा सा इसको शावर करती थी। वो भी मैं इसे सीविट के लिक्विड से इसको शावर कर देती थी और फिर वापस से इसे मैं पॉलिथीन से कवर करके रख देती थी। तो अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके सारे कवर हटा दिए हैं और इसे मैंने इस तरीके से अपनी बालकनी के साइड में जो सीढ़ियां हैं वहां पर रखा है ताकि इसे इस डोर, यहाँ पर मेरा डोर है बालकनी का, तो यहाँ से इससे सनलाइट मिलती रहे और इससे बढ़िया मॉइस्चर भी बना रहे और इससे हवा भी एकदम फ्रेश मिलती रहे। तो फ्रेंड, मैंने इसे मॉइस्चर बनाने के लिए, ह्यूमिडिटी इसमें बनाए रखने के लिए, इसे जो मेरे मनी प्लांट का एक बड़ा सा प्लांट है मेरे पास में, उसके पास में मैंने इसे रख रखा है और मैंने इसके आसपास इसे छोटे छोटे से प्लांट इसके पास में रख दिए हैं। तो जब मैं इसमें मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें थोड़ा सा शावर कर देती हूँ और जब इन सब के ऊपर मैं शावर करती हूँ फ्रेंड्स, तो इसे मैं हटा देती हूँ और फिर इन सभी प्लांटों के ऊपर अच्छे से शावर करने के बाद में फिर मैं इसे यहाँ पर वापस रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर काफी अच्छी लाइट भी आ रही है और इसमें काफी मॉइस्चर भी है। तो इसकी सॉइल मैंने फ्रेंड्स इस तरीके की बनाई है कि इसमें मॉइस्चर बना रहता है और जब तक ये सॉइल, आपको पानी इसको तब देना है जब इसकी जो सॉइल है आप उसे इस तरह से प्रेस करके देखें और ये अगर आपको पूरी तरीके से ड्राई दिखे तो ही आप इसमें पानी दें। और इसमें अभी थोड़ा मॉइस्चर है फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी। इसे मैं आज से 2 दिन बाद ही इसमें शावर भी करूंगी। और तो फ्रेंड्स, इसमें पानी का आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है, वरना इसकी जो लीव्स है वो यहाँ से आपको फोल्ड होती दिखेगी। और फ्रेंड्स, ये तो मेरी जो प्लांट है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं जब इसे परचेस किया था तो ये कोकोपीट के छोटे से पॉट में लगा हुआ आया था और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा वाटर देने लगी थी क्योंकि फ्रेंड्स हमारे उधर गर्मी काफ़ी है और ये बार बार इसकी सॉइल सूख जाती थी तो मैं इसे बार बार पानी देती थी, तो इस कारण से इसकी लीव्स इस तरह से कर्ल होकर क्रिस्पी हो गई थी। पर फ्रेंड्स, अभी इसकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें तो आपने अगर इस तरीके की सॉइल बनानी है तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाली है और वो भी बराबर से लिया है रिवर सेंट और कोकोपीट के। तो इसमें आपको कोई ठोस
फर्टिलाइजर तो नहीं देना है, लेकिन लिक्विड आप हर 15 दिन में से दे सकते हैं। तो लिक्विड के लिए मैं सीवीड का यूज करूंगी फ्रेंड, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट को 2 दिन तक एक मुट्ठी पानी, वर्मी कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में अच्छे भिगाकर रख दीजिए, और उसे 2 दिन बाद आप किसी भी कपड़े या चलनी की मदद से उसके वाटर को छान के इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके जो पॉट है उसके अंदर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारिश के पहले इसे काफी अच्छे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर आपके पास में भी आपके क्लाथिया को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो सूख रहा है तो आप पॉलीथीन से कवर करके रखिए उसे, अच्छे से ठीक से पानी दे दीजिए, उसके बाद में आप इसे अच्छे से कवर करके रखिए। और भी और कवर करने से पहले आप जो पॉलीथीन से कवर करते हैं फ्रेंड्स उसमें आप हॉल भी कर दीजिए ताकि उसकी एयर का सर्कुलेशन चलता रहे और फ्रेंड्स आपका प्लांट को ज़्यादा भी प्रॉब्लम ना हो हवा को लेकर। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके की सॉइल यूज कीजिए और जो मैंने आपको पॉलीथीन का आइडिया बताया है उसे यूज कीजिए, आप डेफिनेटली आपका प्लांट काफी अच्छा होगा और आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे क्लाथिया को खरीदने से। तो फ्रेंड्स आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।